गाइज अगर आपके मुंह या आंख में फेविक्विक चले जा रहे हैं फेविक्विक, तो क्या होगा? आपके मुंह सट जाएंगे? नहीं, आप वीडियो के अंत तक बने रहे। क्यों नहीं सट सकता है? आप वीडियो के अंत तक बने रहे। गाइज कौन सा एक ऐसा समुद्रीय जीव जंतु है जिसको मछली नहीं कहा जाता है? वह कितने प्रकार के हैं जो कि मछली नहीं कहा जाता है, यानी कि दरियाई घोड़ा नहीं, दरियाई घोड़ा को जानवर में रखा जाता है। एक ऐसा जेली फिश, यानी कि जेली फिश, उसका मछली नाम धर दिया गया लेकिन मछली वास्तव में है नहीं। वह जेली फिश एक हो गया, क्रेपिस भी हो गया, जो मछली नहीं कहे जाते हैं। यानी कि समुद्र में जो लहरें उठते हैं, सुनामी आते हैं, जो तूफान आते हैं, वह सबसे अधिक कितने दिनों तक वहाँ रह सकते हैं? यानी कि समुद्र में तूफान कितने दिन तक रह सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे अधिक 10 दिनों तक तूफान रहे जा सकते हैं। उससे अधिक समुद्र में तूफान नहीं रह सकते हैं, क्योंकि समुद्र वहाँ शांत हो जाता है लहरें उसके, जिसके कारण 10 दिन में बहुत अधिक दिन होने के कारण वह शांत हो जाता है। एक शार्क का यह गुण है जो कि न मनुष्य में गुण है न ही किसी जानवर में, तापमान के मामले में, जैसे कि टेम्परेचर, अपने शरीर को क्या टेम्परेचर आप बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते हैं। अपने आप जब चाहें वह उस समय आप टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन शार्क एक ऐसा मछली है जो अपने शरीर को टेम्परेचर बढ़ा सकती है, जिस समय उसको मर्जी करे उस समय बढ़ा सकती है, जिस समय कम करना मर्जी करे उस समय टेम्परेचर घटा सकती है, जैसे कि बिजली की तरह। वह शार्क मछली है जो टेम्परेचर बढ़ा सकती है घटा सकती है। हम लोग जो कि नोज द्वारा यानी नाक द्वारा सांस लेते हैं, वह कितने सांस 24 घंटे में यानी कि एक दिन में ले सकते हैं? कितने बार सांस अप डाउन ले सकते हैं सांसों को? मैं बता देना चाहता हूं कि आप हम लोग 23,000 से अधिक बार सांसों का ले सकते हैं, उससे कम नहीं। एक दिन 24 घंटा में 23,000 बार से अधिक बार ले सकते हैं, उससे कम नहीं। गाइज मैं बता देना चाहता हूँ कि जो कि एक गेंद, जो गेंद से मैच खेला जाता है, रबर का गेंद है, आप उससे जैसे कि बहुत अधिक कूदता है वहाँ, उसके तुलना में कौन सा पदार्थ है जो बहुत अधिक कूदता है? जैसे कि शीशे, शीशे का आप ग्लास का अगर गेंद बना दे रहे हैं तो वह अधिक रबर के तुलना में खेल यानी कि कूदते हैं। आप लोग क्यों नहीं मैच खेलते हैं? क्योंकि यह बहुत जल्दी टूट जाते हैं, इसीलिए इसे नहीं उपयोग किया जाता है मैचों में। जी आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। मैं आपको बताया थे कि पिछली वीडियो में चींटियां नहीं सो सकती है, नहीं सोती है, वह कभी नहीं चींटियां सोती है, उसके सोने का कोई प्रक्रिया ही नहीं है। लेकिन फिर से एक नॉलेज आया है कि चींटियां के फेफड़े यानी कि मनुष्य या किसी जीव जंतु का फेफड़े होते हैं जो गले में, वह फेफड़े चींटियां को नहीं होते हैं। बाकी जीव जंतु मनुष्य को होते हैं लेकिन चींटियां को नहीं होते हैं फेफड़े। बिलबेरी एक ऐसा गुड़िया, जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग बचपन में कभी देखे होंगे कि छोटे छोटे पेड़ों पौधे, जैसे कि मकई वगैरह के पेड़ जैसे होता है वह, उसमें छोटे छोटे गुड़िये होते हैं। उस गुड़ियों को हम लोग आप लोगों ने कभी माला बनाकर खेले होंगे, लेकिन उस गुड़िये का क्या फायदा है? उसको जैसे कि मेडिसिन बनाया जाता है, दवा बनाया जाता है, तो आँख के लिए, राहत के लिए बहुत उपयोगी होता है, जिसको हम लोग बहुत खेलते हैं उस गुड़िया। गाइज पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कितने ऊंचे है? उस पर्वत का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। आप लोगों ने कभी पढ़े होंगे कि माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे बड़ा पहाड़ है, पर्वत है, लेकिन वह कितने फीट है? आपने कभी यहाँ याद रखा है? मैं बता देना चाहता हूँ कि 8,848 मीटर है, जिसको फीट में 29,029 फीट। यह सबसे बड़ा पृथ्वी का माउंट एवरेस्ट। एक शेर बहुत मांसाहारी होते हैं, यानी कि मांसाहारी होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक जीव है जो कि मांसाहारी है, वह कभी शाकाहारी यानी कि फल या कुछ भी को नहीं खा सकते हैं। भले उसे डंक यानी कि डंक लगा सकते हैं लेकिन उसे खा नहीं सकते हैं। कौन सा है? आप लोग डंक नाम सुनकर नहीं समझ सके। डंक यानी कि स्नेक, सांप, कोबरा। कोबरा जो है सांप, जो कि वह मांसाहारी है, मेढक वगैरह को खाता है, और फल या हरे सब्जियां या कुछ शाकाहारी फल को नहीं खा सकते। गाइज अगर आपके आँख और मुंह में फेविक्विक चल जा रहे हैं तो क्या होगा? क्या आपके मुंह सट जाएंगे? क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है? मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके मुंह में फेविक्विक चल जा रहे हैं तो वह सट नहीं सकता है। ऐसा क्यों नहीं है? क्यों नहीं सट सकता है? कोई भी वस्तु सट जाते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि
आपके मुंह के अंदर जो लार होते हैं जो कि फेविक्विक को सटने से रोकते हैं, वह सटने नहीं देते हैं और लार के साथ वह फेविक्विक बाहर चले जाते हैं, इसलिए आपके मुंह नहीं सटते हैं। मेरी वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।